गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस करीब आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of point from the pole. ये क्वेश्चन कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों तरफ दो इक्वल हाइट का पोल खड़ा किया गया है, इसके बीच में रोड के बीच में कहीं से कोई पॉइंट है, उसको दोनों तरफ जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख पा रहे हैं, एक तरफ 60 डिग्री हो रहा है और दूसरी तरफ 30 डिग्री हो रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि हाइट ऑफ पोल क्या होता है और बीच का जो पॉइंट है उससे दोनों पोल का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले जो हम जानते क्या है, इसमें फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आइए एक एक कड़ी को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सड़क जो है 80 मीटर चौड़ी है, तो सबसे पहले क्या करें, सड़क बनाए यहाँ पे, या सड़क मान लेते हैं हो गया यहाँ, या 80 मीटर है, इसमें कहा जा रहा है कि इसके बीच में एक पॉइंट है कोई, तो आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें आप, ठीक है। फिर उसमें करना क्या है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिखाना है, एक पोल हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये 60 डिग्री मान लिया हम लोगों ने। फिर इसके दूसरे तरफ सेम हाइट का, जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट का एक दूसरा पोल, फिर इसके दूसरे तरफ सेम हाइट का पोल हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, फिर इसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, हो गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि हाइट ऑफ पोल निकालना है और बीच का इस या जो पॉइंट है इससे इसका डिस्टेंस कितना और इससे इसका डिस्टेंस कितना है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो आइए इसको थोड़ा सा नेमिंग कर दें, ए बी सी डी और ई कर लें, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। आइए फिर कुछ थोड़ा सा हम सॉल्यूशन में चलते हैं आपको। अब आइए सॉल्यूशन में आ गए हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कर लेते हैं। करना क्या है कि लेट ए बी इक्वल्स सी डी इक्वल्स एक्स मान लिया हम लोगों ने, इसमें क्या किया हम लोगों ने, ईसी को वाई मान लिया एंड टोटल जो है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है, जब ईसी को हम लोगों ने वाई मान लिया तो बी क्या हो जाएगा, 80 माइनस वाई हो जाएगा, 80 माइनस वाई तक हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग x यहाँ पे भी लिखते हैं, x यहाँ पे भी लिखते हैं, हम लोगों ने मान लिया है। अब ध्यान देना है कि इसको भी हम लोगों ने माना और यहाँ पे भी मान लिया, तो हम लोग देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में कि यह पता है और यहाँ पे यह दिया है, हम लोगों ने माना है, तो इसका और इसका रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर दिख रहा है और बेस दिख रहा है, तो इसका रिलेशन जो होता है वो टैन होता है, तो हम लोग टैन लेकर के चलेंगे। तो आइए इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 equals AB by BE. What is the value of tan 60? The tan 60 का वैल्यू होता है root 3 होता है. AB हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे x लिया, तो इसने लिया. B क्या है? B यहाँ से देख लीजिए आप, 80 minus y हो गया. ठीक है? चलिए आइए. By cross multiplication क्या हो जाएगा? X equals root 3 into 80 minus y हो गया. यहाँ पे की क्वेश्चन वन करते हैं हम लोग। नाउ आइए इन ट्रायंगल डी सी ई में आते हैं, इसमें tan 30 इक्वल्स डी सी बाय ई सी, tan 30 क्या होता है, 1/3 होता है, डी सी क्या है, x, ई सी क्या है, y, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल्स रूट 3x हो गया इक्वेशन 2। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, यहां पे जहां पे y है वहां पे हम लोगों को क्या करना है, रूट 3x डाल देना है, तो यहां पे x रूट 3 80 और y की जगह पे क्या करना है हम लोगों को, रूट 3x यहां पे डाल देना है, x हो गया 80 रूट 3 माइनस माइनस और यहां पे प्लस तो माइनस हो गया, रूट 3 रूट 3 3 हो गया, x बना लिया। फिर आइए इधर माइनस कराया तो प्लस 80 रूट 3 4x 80 रूट 3 x
80 root 3 by 4, that is 20 root 3. तो हम लोगों ने x पा लिया, x क्या है, height of pole है, तो x equals हो गया 20 root 3 meter. जब x हम लोगों ने पा लिया, तो y हम लोगों को लेना है. y क्या है, यहाँ पे देखेंगे, root 3 x है, root 3 x, root 3 x का value यहाँ पे put करें, 20 root 3, root 3 root 3 3 हो जाता है, 20 का हो गया 60 हो गया. तो हम लोगों ने x भी निकाल लिया यहाँ पे और क्या किया, y भी निकाल लिया. अब आइए now height of pole क्या है, x है, वह कितना आ गया हम लोगों का, 20 root 3 मीटर आ गया. अब यहाँ पे देखना क्या है कि इस बीच वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है और उसका डिस्टेंस कितना है. तो b equals क्या हो जाएगा, b क्या है हम लोगों का, 80 minus y है, तो 80 minus y हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ पे देख तो लीजिए 60 निकाला है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो 20 हो गया. फिर क्या कहते हैं, EC, EC क्या है हम लोगों का, y है, क्या हो गया, 60 हो गया. यहाँ पे हम लोगों का तीनों आंसर चाहिए था कि हाइट ऑफ पोल क्या हो गया, यह भी निकल गया हम लोगों का, फिर इस वाले बीच वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है वो अभी निकल गया, फिर इस पॉइंट से इस वाले का डिस्टेंस कितना है वो अभी निकल गया. तो दैट इज आवर आंसर, इट्स ओके. क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन यहाँ पे है, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और समझेंगे. मैं आपको जनरली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बस वो आप बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक स्टेट हाईवे है जो एक टावर है वहां तक आती है. इस टावर के ऊपर कोई एक आदमी है जो इस सड़क पे कार आ रहा है, उसको जब पहली बार देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वह 30 डिग्री बनता है. क्या बनता है, 30 डिग्री. 6 सेकंड बाद वह कार फिर उसी सड़क पे दूसरे जगह पे दिखाई देता है जहां से ऊपर से जब देखा जाता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनता है. तो अब यहां से पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे इस पॉइंट से इसके फुट तक, इसके बेस तक आने में कितना टाइम लगेगा, यह हम लोगों को निकालना है. तो हम लोगों ने किया क्या है, ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखा है कि लेट द लेंथ ऑफ द टावर, लेंथ ऑफ द टावर x मीटर मान लिया, एंड स्पीड ऑफ कार y मीटर पर सेकंड मान लिया, कि स्पीड जो कार जो है उसका स्पीड y मीटर पर सेकंड मान लिया, एंड bd को यहां पे z मीटर मान लिया, क्योंकि हमको bd का लेंथ मालूम होगा और तब जाकर के स्पीड भी पता है, तब फाइनली हम लोग टाइम निकाल पाएंगे. तो cd क्या हो जाएगा, cd यहां से यहां तक आने में इसको 6 सेकंड लगता है और स्पीड हम लोगों को पता है, तो डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, उससे हम लोगों ने cd निकाल लिया, cd क्या आ गया, 6y आ गया. अब आइए देखें इस पूरे में क्या है, bc है, तो bc क्या देख पा रहे हैं आप, यहां पे z है और यहां पे 6y है, तो z + 6y हो गया. अब मैंने एक बात बताया था आपको कि जब ऐसा हो ट्रायंगल में हमको रिलेशन देखना होता है, तो यहां देख रहे हैं यहां पे x है और नीचे z है और 6y, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यहां पे हम लोग को दिख रहा है. हम लोग को tan ऑप्ट करना है, क्या करना है, ऑप्ट करना है tan, तो tan 60 यहां पे ले लिया हम लोगों ने, tan 60 का p/d होता है, तो ab/bd, तो ab/ क्या कर लिया यहां पे, bd कर लिया इन ट्रायंगल abd में, और tan 60 √3 होता है, और ab हम लोगों का क्या है, x है, bd क्या है, z है, यहां पे z हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x = √3 z हो गया. इसको इक्वेशन 1 हम लोगों ने ले लिया. फिर आइए इन ट्रायंगल abc में, ABC में हम लोगों ने क्या किया, tan 30 कर लिया, tan 30 क्या हो जाएगा, AB/BC हो जाएगा, AB/BC हो जाएगा, tan 30 1/√3 है, AB तो x है यहां पे, और यहां पे BC हम लोगों ने निकाला है z + 6y, तो z + 6y हो गया. अब भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3x = z + 6y, इक्वेशन 2, यहां पे इक्वेशन 1, अब यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोगों ने किया, तो जहां पे x था, x की जगह पे हम लोगों ने √3z डाल दिया, हमने √3z डाल दिया यहां x की जगह पे, और इधर z + 6y था तो रहने दिया, √3 मल्टीप्लाई करके 3z बना लिया, तो z + 6y हो गया, z इधर प्लस में है, इधर गया तो माइनस, वही फाइनली 2z = 6y आ गया. फिर यहां z जो हम लोगों ने किया, तो z का वैल्यू आ गया हम लोगों का 3y, दैट मीन bd हो गया 3y, यानी कहने का मतलब है D से और B के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है, 3y है, और आपको स्पीड पता है कि y मीटर पर सेकंड है, तो 3y जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट्स द टाइम वी हैव टू नो. तो टाइम
टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर डिस्टेंस बाय स्पीड 3y/y कैंसिल हो गया 3 सेकंड दैट मींस यहां से इसको यहां आने में 3 सेकंड लगा। तो सॉल्व हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को कर लिया है, फिर जो प्रॉब्लम्स होगा आप बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। बाय एंड टेक केयर।